आइए एक इतिहास का ऐसी कहानी ऐसन कहानी कभी लिखलन जेकर नाम आप लोग जानला राजा भोज। धारा नगरी के राजा भोज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कभी जी चार लाइन भूमिका में लिखलन, हमारा हिंदुस्तान विद्वानों का देश रहा बाबू, ऋषि महर्षियों का देश रहा, संत महापुरुषों का देश रहा। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना है, अद्भुत अनोखी धरा है अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। अरे तपो भूमि ऋषियों की पावन धरोहरी, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी, त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती। अरे चारों तरफ जिसकी फैली है ख्याति, दुनिया में आला कहा जाता जिसको। सिया राम धन्य है वो भारत की माटी। गर्व है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक लाइन कव्वाली का नमूना है महाराज, कवन किसी शराबी ने कहा, क्या कहा, वाह अरे वाह, अरे मैंने सुना है सामने जाम बदलने वाला है, पहले भाग्य से ज्यादा मिला ना मिले वाला है। लाख जतन हम करें यहाँ पर विधि का खेल निराला है, और समय से पहले भाग्य से ज्यादा शुरू हो गई। आवा महाराज, धारा के राजा भोज ने इतिहास बताता
लिए विख्यात है। लेकिन अध्यात्म की ओर चला जाए, जिस बात को मैं बताने जा रही हूँ, जिस गीत को मैं गाने जा रही हूँ, अगर आप ध्यान से सुन ली हन ए बिरहा के बाबू, तो जरूर आपके जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा बात मिली जो ने के याद के लिए बात बहुत काम दे। हम इनाम कहते कि हम आपके सीख देती, लेकिन कलाकार खाली कमैले खेले का साधन ना हुआ। कलाकार के गीत में कुछ ऐसा राज रहला जो कभी लिखल और कभी की बातें हमेशा सत्य हुआ करती है। आप लोग कहला कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो याद रहे धारा नगरी के राजा भोज, इतिहास में आपने उनका नाम पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो जानते जरूर होंगे। राजा भोज के राज दरबार लगल बा, हरिद्वार के धरती से एक संत जी चले धारा नगरी में प्रवेश कैलन, घेरा डालते डालते राजा भोज के राजमहल के दरवाजे पर पहुँचलन, गैलन नौकर संतरी मंत्री पहुँचलन, कलन राजा कोई संत आए गए और आपके से मिलना चाहते हैं। राजा भोज कलन की सम्मान पूर्वक दरबार में पेश करो। गैलन बाबू, जब गैलन राजा भोज के समक्ष उस संत जी बारे, राजा भोज बड़ी सेवा कैलन उनकर, इतनी सेवा कैलन कि संत जी प्रसन्न भैलन। कलन है राजा, जैसा तेरा नाम सुना था ठीक वैसा ही है, तू इतनी मेरी सेवा कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ मांग लो हमसे। राजा कलन की ऐ बाबा, खजाना भरल है, दौलत का कमी ना है, देवल चाहत कुछ बढ़िया बात बता दे मेरी जिंदगी में काम आवे। बाबा कलन की चार बात बताई जिंदगी में, अगर गांठ बांध ले बा तो काम दे। कलन महाराज देर मत करा, तही जल्दी बता दा। आए बाबू, पहली बात महाराज संत जी बतौना राजा के सामने, पहली बात जिंदगी में कम सोना और ज्यादा जागना, सोएगा तो खोएगा, जागेगा तो पाएगा। दूसरी बात बतौलन की अतिथि देवो भव, आए राजा दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो सेवा कर देना। आजकल का लिखा था दरवाजा पे कुत्तों से सावधान, पहले लिखा है कि अतिथि देवो भव, आजकल लिखा था कुत्तों से सावधान। खैर हम विषयांतर नहीं होना चाहते हैं, लेकिन बतौलन की दूसरी बात अतिथि देवो भव, तीसरी बात तनी खतरनाक है फेकू, तीसर की खतरनाक कलन की का कलन की सुना, मेहरारू तुहार कितनो सुंदर, इंद्र का परी द्विज का चांद का है न हो। याद रखना राजा, राज की बात दिल की बात औरत से कभी बताना मत, फायदे में रहोगे। राजा कला यह न कुफुत कहिला, हमार रानी इतनी सुगर है, तू कतो रानी से बात मत बताया की ना हो पाई। कला यह तब बात है, जवन बतावे लायक नारियों के बता दिया, जवन बतावे लायक नारियों के मत बताया। कला है बाबा, अगर जिद कह गई रानी जिद आ गई तब, कला तो चौथी बात दंडित कर देना, लेकिन बताना मत। बताए कि बाबा उठला हरिद्वार चल गईला। राजा भोज सोचत हूँ कि बाबा चार बात बतौले, वह कैसे पता चली कितनी सच्चाई है। आज मावा चलन बिरहा में पहली तर्ज लगल महाराज, देखा लड़की शादी ब्याह होला जब ले लड़की रह जब ले ब्याह ना भल, ब्याह होता मांगे में ललका पियरका पड़ता, मेहरारू में बदल जा। शादी भई ससुरे गई, चार दिन के बाद जब लौटल सखी सहेली गली घाओ, दुल्हा के घरे गई ललू, कैसे कैसे बीतल। कली अरे का बताई, बड़ी दुर्दशा न भइल। कल दुर्दशा भइल, कल हा कल का कल कल एकदम घचाक, कल घचाक न कल एकदम का करत, मास्टर बताओ थे तर्ज हो। रहुए सुहा गरतियो मुरवे मोरी चोट, राजा पहले दिने रहुए सुहा गरतियो मुरवे मोरी चोट।
बिरहा में आजा बाबू फर्ज लगल का लिखल गेल देश उपदेश बाबा कहले प्रस्थान राजा पहले दिने जन कैला कई के राजमहल से सुतली राती में निकोर गई अला राज्य में जो राती का पहरेदारी करे पहरेदार ओकरे लगे गई कला है पहरेदार अब तो खतन थर थर कांपत बा कि राजा राती का का करे ला राजा कला की कपड़ा निकार अब तो पहरेदारवा उरु गन 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 कांपत कि राजा रतिया का कपड़ा काहे निकरवावत हुआ राजा कला देर मत कर जल्दी जल्दी कपड़ा उतार पर हट मर्दवा नहीं था पर धार थर 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 कापत बाल की राजा का आदेश कैसे न निकारी एक छे निकल राजा कला दूसर को निकार कल ना हो पाई राजा कला डेरो मत जल्दी जल्दी कर देर मत कर वो निकार के दे दल कहला कि अब जिंदगी ले लवा लेकिन तीसरका न दे राजा कहला तीसरका चाहबो न करी पहिरला राजा पहिर के भाला ले के हाथ में कहला ना पहरेदार जाए के अपने मड़ई में चुपचाप सो जाओ किसी से बताना मत कि राजा भोज राज में पहरेदारी कर रहे हैं कहला हम का पड़ल है तू पहरेदारी करा चाहे जवन मन करा तवन करा चलो बड़ा दिन बाद राती का मौका मिलल सुत तब की हाँ हम जाती बताओ गैल पहरेदार बाबू अपने मड़ई में सुतल यहाँ राजा भोज लेके भाला पहरेदार के भेष में पहरेदारी करे लगलन बिरहा में मास्टर तर्ज बदल गई भयल का बड़ी परेशानी में कोनो दुल्हीन चलत किया हालक गौना भयल है चार दस दिन पंद्रह दिन दुल्हा भी तो उले हुआ भाई कमाए जाइए के पड़वे करी जाए के तैयारी में हुआ कलकत्ता की ओर मूड बना लो कलकत्ता जा बेदा तो दुल्हीन कहलस का अरे रोई मरब ये जो पूर्व के दिशा वही पूर्व देशवा में वही पूर्व देशवा में
चई बाजो कुनु बगे फेसावा बाबूजी का जागे लगले हो राजा जागे लगले हो राजा बन के दारा बनावा प्रहरी जागे लगले हो राजा बन के दारा बहुत अच्छे जागे लगले हो राजा बन के दारा बनावा प्रहरी वही दरमियान एक घटली घटनवा देखलन कलन माई हे धारा नगरी में पूरी पर जा चैनो मन से सुतल हा चैन का सांस लेत हा आ तू बैठ के आधी रात कर रोवत हा महतारी का बात हा बुढ़िया जवाब दिलस के आए पहरेदार क्या करोगे जान करके मैं क्यों रो रही हूँ जाओ तुम्हारा जो काम है तुम करो मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ हट जाओ मेरी नजरों के सामने से खलन नाही माई वो बुढ़िया के का पता की पहरेदार की राजा भोज हुआ वो तो यह जाना थे कि पहरेदार वो रात अंधेरी है वो अंधारे के उल समझ में ओके नावत है कि के है बुढ़िया क्लस के हट जाओ मेरे सामने से हट जाओ राजा भोज जीत आए गईलन जब ले नाम बताई वो रोले का कारण तब तक ना हटक बुढ़िया रो करके बतौलस कि हम काहे रोवत हिला तेरी में भाव हमस्टर अरे करनवा तब बताई बुढ़िया अरे करनवा तब बताई बुढ़िया परसो राजा भोज मोर तज दी है परनवा यार परनवा यार परनवा करनवा तब बताई बुढ़िया परसो राजा भोज मोर तज दी है परनवा करनवा तब बताई बुढ़िया परसो इस धारा नगरी का सूरज डूब जाएगा ऐसा राजा धारा नगरी में कोई दोबारा पैदा नहीं होगा धारा नगरी के राजा भोज परसो मर जाएंगे इसलिए मैं रो रही हूँ अरे बाबू राजा भोज के पैर तले से जमीन खसक गई माई तू कैसे जान गेलो कि राजा भोज परसो मर जाई है अगर मर जाई हाँ तब हमके यो बतावा कि उनकर मौत कब कौने रूप में आई बुढ़िया बतावा थी विदेशिया में भाव मास्टर तक कहे माई फूटल भाग अरे यही वर से निकली नाग जाके डसी ले राजा का परनवा मरी जई है राजा भोज अरे बचल खाली दुये रोज परसो बिहाने भोर होई घटनावा बढ़ल दर्द दूना अरे राज पट हुई है सुना अचरज भय राजा के कहे का माया नावा कहे माई रोवा जानी अरे
जाने कब कब बदलेला विधि का विधानवा। मत रो माँ, तेरे जैसे माँ का आशीर्वाद जब तक राजा भोज पर रहेगा मृत्यु दरवाजे से आकर लौट जाएगी। इसी बरगद से तू बता रहे कि काला नाग निकलेगा और जाकर राजा भोज को बड़े दरबार में डस लेगा माँ, और राजा भोज मर जाएंगे। मत रो माँ, कहते हुए उस बुढ़िया को चुप कराते हुए राजा भोज तो राजमहल लौट गए बाबू, लेकिन अब नींद कहाँ, अब चैन कहाँ। सोचो तो उनके बाबा सही कलरलन की सोएगा तो खोएगा, जागेगा तो पाएगा। एक रात में जागा और अपने मौत का राज जान गया। इसका मतलब कि बाबा की बात सत्य है। दूसरी बात, बाबा को याद आ गई कि अतिथि देव भवा, बाबा कलयुन के अतिथि देव भवा, मैं अपने काल की सेवा करूंगा। तर्ज बदल गई महाराज। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, छोड़ दा आजा बाबू बिरहा की सादगी पर भयल का। मन में विचार किए राजा जी, मन में विचार किए राजा जी, संत बाड़ी करी है भाव से पार होगी। मन में विचार किए राजा जी, सरका देन और वही बरगद के पेड़ से दूध लावा अपने राजमहल तक बिछवा देलन। निकला है नाग, तीसरे दिन की बात है, निकला है नाग उसी बरगद के पेड़ से, काला नाग निकला है बाबू। आज चलो रास्ता पकड़ करके, देखलस दूध लावा पील हलस, थोड़ी और गयल देखलस दूध लावा पील हलस, पीते पीते दूध लावा वो नाग इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया। राजा भोज के राजमहल में जब पहुंचल नाग के देखते इतना खूंखार नाग रहे, होके देखते मैं मैदान खाली हो गयल। राजा भोज अपने राज सिंहासन पर बैठल, वो जब नाग देखला, वो नाग के देखते राजा भोज अपने राज सिंहासन से उतर के दंडवत प्रणाम करत हो। दंडवत प्रणाम कैलन, कलन ए नाग देवता, आवे में कोनो परेशानी है रानी तना भइल, आपके सेवा में कोनो कमी तना भइल, अगर कोनो कमी भइल हो तो सेवक आज भी सेवा करने के लिए आपके लिए तत्पर तैयार है। कोई कमी हो तो क्षमा करिएगा। नाग मनुष्यवाणी में जवाब दिया कि अय राजा, जानता है मैं कौन हूँ? राजा कलन की जानत थीला, आप हमार काल हुआ। कलन की जानते हो मैं तुम्हारा काल, उसके बाद भी अपने काल की सेवा कर दिया। कलन यह तो बात है सरकार, बाबा कले वन दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो सेवा कर देना। आप हमार हित हुआ, संगी हुआ, चाहे जे हुआ, लेकिन हमारे दरवाजे पर आयल हुआ, दुश्मन हुआ तका से, लेकिन अतिथि हुआ। पहले नंबर पर आप हमारा अतिथि हुआ और अतिथि देव भव। आय हाय बाबू, नाग देवता कलन के, रे राजा तू कोई साधारण राजा नहीं हो सकता। जो राजा अपने कंवल की सेवा कर दिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता। ऐ राजा,
मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी सेवा से, तेरी भक्ति से। मांग लो हमसे कुछ, मैं तुझे अब नहीं मारूंगा। कल अरे बा महाराज नाग देवता हमें मारा आल हुआ, हमार काल हुआ, मेरी मृत्यु हुआ। कलन यह तो बात है, तू इतनी सेवा कर दिला कि अब तो के हम न मारब, अब हमसे कुछ मांग लो, वरदान के रूप में तुझे देना चाहता हूँ। बारे राजा मंगलन का मास्टर दस लेना राजा के ऊ कहे हर साई। समझ जाए यही वरदान मुझे दे दीजिए, जितने जीव हैं मैं सबसे बात कर लूं और वो मुझसे बात कर ले। नाग देवता कलन यो मस्त जाओ राजा, आज के बाद ऐसा ही होगा। नाग देवता वरदान देके जब जाए लगलन, कलन एक बात याद रखना राजा, ये राज की बात है, ये रहस्य की बात है। जिस दिन इस राज को खोल दोगे उस दिन तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, उस दिन तुम मर जाओगे। अदरवाइज इस बात को किसी दूसरे से मत बताना, अपने तक सीमित रखना। इतना कह के नाग देवता लौट गेलन, राजा का मौत टल गयी। कहले का मतलब कि दो बात वो संत जी का सत्य हो गयी, दूठ बहन बाकी है। समय बीता लगल, अब राजा भोज के वरदान मिल गल, दूठ कुकुर लड़त हूँ काहे लड़त हूँ बात समझ जाए। चिराई बात करती का कहती आप न समझ पे बा समझ जाए। चलत रस्ते ऊंट कुकुर घोड़ा गधा बैल भालू चूटा चूटी जितना जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी हुवन, राजा वो सबकर बात समझ जाओ, उनसे बतिया लें वो इनसे बतिया लें। समय बीता लगल, कहानी आगे पहुंचल, एक दिन एक घटना घटल। का घटना घटल, तर्ज विराह में आखिरी लगल मास्टर। माता बहिन लोग गावेली अजय एकादशिया, अजय एकादशिया मिहुन दूध सिया ते रसिया केला। सैया मांगेला गवनवा ते रसिया केला। लेकिन ए फेकु तुहार वाली गावेले, ये कभी जी तुहार नाम मालूम एक लाइन एंकर वाली गावेले। बिड़िया पिया तावे एकदम बेकहल मेरा रूबे सहूर बा कहाँ कहते हैं तब बिड़िया पिया तावे धुआं वा उड़ाता हो खो कता आवे ना खो कता आवे ना जहरिया से राजा तो बिरहा के अंदर बाबू बड़ी जबरदस्त घटना घटल राजा के राजमहल में। का घटल बा मास्टर? अरे राजा एक दिनावा, अरे राजा एक दिनावा, अरे करल भोजनावा घटल I'm
गेल बाबू राजा भोज के सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोस गेल। राजा भोज खाए के तैयारी में हुआ, अन्य देवता के बाबू प्रणाम उड़ाम कही के जो पहला नेवाला उठावे चलल वो हलक के नीचे उतारे बदे। रानी बगलिया में बैठ के राजा के बेनिया डोलावत है। तब तक घटना घटल, का घटल, अरे चीटिये के चावल लेके चलल बहरवा दूसारी झपटियों से तराई बिगड़ी राजा के धर्म घटल घटना। राजा भोज जो भैया बाबू जी पहला ने वाला उठा के हलक के नीचे उतारे वाला हुआ। तब तक दूठे चूटी संगवे लिन एक थे राजा भोज के थरिया में हल गयल, एक चावल का दाना निकार के बहरे हो गयल और दूसर की चुटिया बहरवे से टुकुर टुकुर ताकत रहल। जब ही लेके एक दाना चावल के बहरे आईले तो दूसर की चुटिया जन बहरवा सवाल कैलस, कलस के बहिन एक खनवा हमके दे दे तू आ जा के राजा के थरिया में से तू दूसर ले ले तू। ये जवाब दिलस कलस की तोर हम नौकर लगल है ला, हम तो यहाँ पर नौकर समझ ले है। कैसो कैसो राजा के थरिया में से नजर बचत बचावत लेके अपने भर के अपने परिवार भर के हम खाना आईली है। राजा का नजर भला बच गई, अब कहीं राजा का नजर हमारे पर पड़ जाता चार छह पड़ा कर राजा मर्तन कलैया खा ले तो काम करता है जो अपन व्यवस्था कर। चल हट मरे अघी सामने से, कलस की हाथ जोड़ती बहन हमके दे दा हम राजा के थरिया में ना जा सके। कल कहे ना जेबी कलस की तू पंडिताइन हो, हम अछूत हिला पिछले जन्म का चाहे ये जन्म का मान ला तू पंडिताइन हो हम अछूत हिला हम राजा के थरिया में ना जब राजा अछूत हो जाई। हाँ हम के देदा हमार लड़का कई दिन से बुखायल हुआ खेले ना हुआ आ तू जाए की राजा के थरिया में से ख्याउर ले ला। ए बाबू इतनी बात सुन के राजा के हंसी नहीं मानल, सोचत सोचत हंसी के अमवा ना पोलन हंस दहलन, राजा हंस का देना राजा फंस गयला। रानी बगल में कली हंसला तो हंसला काहे का कारण है राजा, राजा कल बड़ा नीमन खाना बनूले बड़ू देखे में इतना नीमन बात खाए में कितना बढ़िया होई। ए रानी और कोनो बात शंका मत करा, रानी कली हमके पागल बुझले बड़ा हमके बुरबक समझत हुआ हमार बात सुन लो। एक कुल बात होले तो शेखर के जनाई की रसगुल्ला बिना गरले मुहे में जा। ए बाबू आखिरकार राजा मनावत हुआ रानी माने के तैयार नहीं पहपट में भाव हो। हसला राजा हसला राजा सुन के बाद अरे ठठाई रानी सोचेली कारण का बदला के बतलाई रानी सोचेली साहेबा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बता सकता, क्षमा कर दो रानी मुझे। रानी कली की हमके सुना, हम बस तो यह जानल चाहती ला कि इतनी सब बात पूछती तो तू कथवा कि मर जाब। ए राजा तू मर जा हमके कोनो परवाह ना हो, हर पर हमके कोनो परवाह ना हो, लेकिन बात के बताए के मरा। हठी रानी हटकर बैठी बाबू जी तो राजा कलन की हमार चिता सजवा दा, ओ चिता पर बैठ के तो के बात हम बता दे रानी हमार मौत हो जाई हम मर जाब। रानी चिता सजवा देती है जंगल के बीच
और राजा भोज चले हैं बाबू, ओ चिता पर बैठल हुन और रानी की बतिया बतावे चलन मिरा में आल्हा में प्रमाण मिले। अरे बगल में कुआं एका, अरे बगल में कुआं एका, ओ हमें बाप तैया है भैया, बगल में कुआं एका, बाप तैया है भैया, बगल में कुआं एका, बाप तैया है भैया। तकर बकरी चरत चरत चरतला राजा भोज चिता पर बैठल हुआ, सारा नजारा राजा भोज देखत हुआ, बतिया भइन बतौले ना हुआ। तब तक राजा का नजर वही बकरी बकरा पर पड़ गई, बकरिया पेट से है वही कुआं के आरी आरी चरत रह। तब तक नजर ओकर पड़ गई वही कुआं में देखलस बड़ा हरियर हरियर पत्ता पताई जामल है भाई, पेट से बा ओकर मन डोल गयल हेकु। जब वो स्थिति में चाहे जानवर हो चाहे मेहरारू, मन डोल जाला कितना मेहरारू का जब वो स्थिति होले सारी नमकीन खाली लो नहीं मर्दवा, बरुका खाए जी हाँ, ठपुआ नरिया खाए जी हाँ, कुछ ना पोहिए तो चूली में कमाटी निकाल के खा जानी है। सुन सुन अच्छा तो वो बकरी का मन डोल गल पत्ता पताई देख के भाई गर्भवती बा कोशिश कर ले तीन चार बार निहुर पहुती नहीं बा अचीव चिवक खड़ी हो जाए। अच्छा तो गई बकरवा के लगे कला हे देखा हाउ अम्मा खिया दा, बकरवा कला का कलर बड़ा हरियर हरियर पत्ता पताई कुओं में जामल खिया दा नहीं पटवा में लार चुआई, बकरवा तादार फेंकू तोरे मतिन रहा बकरा को बाती हमके तादार बकरा रहल कला चान हमारे रहता कैसे लार चुआई हाय हाय गया लब करवा वो निहुरल चार छह बार प्रयास कर लेकिन ना पौला कला है फिर प्रयास करा तो मैं गिरा ब गिरा तो मर जाओ जिंदगी से हाथ धो जाओ बकरिया कला तुम मरा जाए उफर परा लेकिन खियाए के मरा तबले तो ये बाबू बकरवा ताव में हो गया बकरवा जवाब दस वही मेरा का कलम कहेला बकरवा हमना कहेला बकरवा हमना पाटी राजा गेलिया रनिया पाटी राजा गेलिया रनिया अब इन बताओ वाला हुआ यार बकरा बकरी का नजारा देखत हुआ आज अब देखला राजा भोज बकरवा करास की करा तो कह दी कि मैं गिरब तो मर जाब हमार परवाना पेटवा में जोन भाई ना बहरी आई लो ना वो करे तनी चिंता हा कह दी कि गिरब तो मर जाब तोरे समझ में ना आवत हा कह दी
हमें की मर जा चाहे वो फर पर हमें खिया के मरा हम के राजा बहुत समझ ले है। बकरवा जब ताव में आयल गुस्सा आ गयल आ उठा के बकरिया के सिंगिया में उठा के पटकलस तो जब पटकलस तो बकरी राम लगली चारों खाना चित होके ओय ओय कर बकरवा कलस के हमके राजा भो समझ रहे हैं। देखो मेरारू के फन में पड़ के मरा जा थर जवा हम राजा भोज ना है ना। ए बाबू तनी बात के समझ ला आखिरकार राजा भोज जब वो बकरिया बकरवा का बात सुन ले सारा नजारा देख ले आंखी का पर्दा खुल गल अरे बाप रे बप्पा हमरे राज में रहे वाला बकरी बकरा इतना समझदार हम तो धारा नगरी का राजा है ला। तुरंत वही चिता पर से कूद गेलन बाबू और चिता से कूद के नीचे अलन और वही चिता पर से गठगरा चैला खिचलन बाबा का चौथी बात याद आ गई बाबा कलर की दंडित कर देना लेकिन बताना मत खींच के रानी के पीठी पर मारा फोन चार चैला जब मरला रानी कलिन अरे राम जी हो राम जी अरे जन्मा छोड़ दा हो राम जी मरला तो गई है मरला ए राम जी घर में चला हो राम जी लेके बाबू राजा बहुत समझाओ समझाओ थक गिला नाम मल लेकिन बाबा का चौथी बात काम आ गई इसलिए कवि जी ने लिखा का लिखल मास्टर आखिर में प्रमाण हो ज्ञानी संत क्या बचनिया ज्ञानी संत क्या बचनिया अरे निभाए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की है सीता सोने का हीरा नहीं होता है लेकिन सीता जिद कैली जोने का नतीजा मिलल कि सीता के चुराए के रावण लंका ले गई कभी जी लिखत उनका तो नारी पर ना करिया भैया अरे कबो भी समास हो हम ना कहिला अरे कहला इतिहास हो बाबा वचन से सब संकट अरे निपटाए राम जाजी विश्वास हो हम ना कहिला कहला इतिहास हो बाबा वचन से सब संकट निपटाए राजा जी दंडित कई के अपने रानी को चेताए राजा जी। तो ये रही राजा भोज की कहानी यही पर कहानी खत्म होती है और आखिरी में खानदान का परिचय कोनो गलती बोलो तो क्षमा करी हजा गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में अरे श्यामा